नंद के लाला की जय। आज गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी के दिन ठाकुर जी ने गैया चराई, मतलब ठाकुर जी को प्रथम दिन है गैया चराने को ठाकुर जी ने शुरुआत करी। तो आज नंदगांव में या को बहुत जोर से उत्सव की हो जाए और मैं आपको वो पूरा ब्लॉग दिखाऊंगा उत्सव को। जैसे पहले नंद भवन पे श्रृंगार ठाकुर जी विराजमान होंगे, समाज गायन होगा, वाके बाद फिर ठाकुर जी घर घर जाके माखन खाएंगे, कोई मिट्टी खवावेगो, कोई छाछ पिवावेगो, कोई पकौड़ा पुआ पवावेगो। फिर ठाकुर जी दोबारा ठाकुर जी को नंद भवन वापस ले जाया जाए, दोबारा समाज गायन हो गए। फिर वाके बाद में फिर दोबारा ठाकुर जी फिर सब्जियाँ माखन खावे जामे हैं। और फिर वाके बाद यशोदा कुंड ठाकुर जी को लाया जाए। फिर वाके बाद में यशोदा कुंड के बाद में फिर कदम टेर के बाद आशीष और महादेव। आप यह सब कुछ ब्लॉग में आप देखें। उन्हें नंद के लाला की जय। ये देखो हमारे ग्वाल वाले हैं जी। नंद के लाला की जय। यह नंदगांव की रंगीली गली है। अब यहाँ से सीधा चल रहे हैं नंद भवन पे, यानी ठाकुर जी के मंदिर पे, और वहाँ चल के ठाकुर जी के आप दर्शन भी करना कृष्ण बलराम के। और वाके बाद में हम ठाकुर जी को भोग लेके चल रहे हैं, ठाकुर जी को भोग पवाएंगे कृष्ण बलराम को। वाके बाद समाज गायन होगा तो आप वाके भी दर्शन करियो। यह देखो आ गए हम नंद भवन पे। आप भी ठाकुर जी को मानसिक प्रणाम करेंगे आप ही। देखो यही है नंदगांव को नंद महल, कृष्ण बलराम को मंदिर। अब मंदिर में अंदर चल रहे हैं ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, जहाँ पे कृष्ण बलराम, यशोदा मैया, नंद बाबा और श्री जी और ग्वाल वाल के दर्शन होंगे आपको। आप भी मानसिक प्रणाम करिए। यशोदा मैया के बगल में हमारे ठाकुर जी हैं कृष्ण जी, और बलराम जी नंद बाबा के बगल में विराजमान हैं। सो आप भी दर्शन करियो। देखो ये पाग बांधी जा रही है। वैसे तो ये होली पे बांधी जावे, परंतु आज के दिन भी यहाँ को बांधे हैं सब प्रजवासी जन, ग्वाल वाल, गुसाई जन। देखो पाग बंधवा के बाद भैया ने जितने बंधवाए उनको प्रणाम किया। और ये देखो ठाकुर जी के छोटे छोटे ग्वाल वाल, ठाकुर जी के सखा, देखो अपनो आनंद, अपने ही अलग आनंद ले रहे हैं। देखो आप सावन की पाठ यह देखो हमारे कृष्ण बलराम आ गए हैं अब दर्शन देवी को। ठाकुर जी श्रृंगार करके बैठे हैं कृष्ण बलराम। देखो मैं भी ठाकुर जी को भोग लगा रहा और वाके बाद ठाकुर जी को न्योछावर करूँगा। आप भी दर्शन कर लिए तो मानसिक प्रणाम करें ठाकुर जी को, हमारे कृष्ण बलराम को। मानसिक रूप से पाले और देखो यहाँ समाज गायन है रहे हो।
देखो समाज गायन को पद है। अगर अगर आपको ब्रज को सबसे अच्छा ब्लॉग चैनल देखना हो, मतलब ब्रज की एक एक चीज सबसे बढ़िया, आपको बिल्कुल प्योरिटी, तो हमारे हमारे रोहित भैया को बहुत बढ़िया यूट्यूब पे चैनल भी है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी है, क्या नाम है भैया? वृंदावन मार्ग, वृंदावन मार्ग के नाम पर। नंद के लाला की जय। और ठाकुर जी यशोदा कुंड और टेर कदम जा रहे हैं, आप सभी वहाँ के दर्शन करिए। हमारे कृष्ण बलराम यशोदा कुंड की ओर जा रहे हैं, तो उनको रास्ता में देखो सब अपने अपने घरन के आगे, दुकान के आगे कोई माला पहना रहा है, कोई उनको भोग लगा रहा है मीठे को, कोई रबड़ी को, कोई दूध छाछ को। ऐसे आप ब्लॉग में आगे देखते रही हूँ, सब जगह ठाकुर जी को भोग लगेगा और फिर वाक्य बाद यशोदा कुंड पर जाएंगे, वहाँ समाज गायन होगा। यहाँ देखो अभी काला मंदिर यहाँ पर आए भाई हैं ठाकुर जी हमारे कृष्ण बलराम, यहाँ पर उनको मंदिर में भोग लगाया हुआ है। ऐसे आप वीडियो देखते रही हूँ, आपको संपूर्ण दर्शन होंगे यह गोपाष्टमी पर्व के नंदगाम से। आप ठाकुर जी की संपूर्ण लीला को आप दर्शन करेंगे, आप बने रहो वीडियो में। देखो हमारे प्यारे प्यारे कृष्ण बलराम, जय हो मेरे ठाकुर। ये देखो हमारे ठाकुर जी यहाँ घर में जा रहे हैं, यहाँ पे ठाकुर जी को भोग लगाएगा कृष्ण बलराम को, और फिर बाकी बाद बाहर जो सब ग्वालवाल मंडली सब जन इंतजार कर रहे हैं, तो फिर भोग लगे के बाद में सबको वहाँ प्रसाद दे दियो जाएगा, सब फिर थोड़ा थोड़ा प्रसाद पावेंगे वहाँ पर। देखो ठाकुर जी भोग पा के आ गए, अब देखो दूसरे घर में जा रहे हैं ठाकुर जी। यह देखो कृष्ण बलराम को हमारे भोग लगाया जा रहा है, छाछ को, पुआ पकवान पकौड़े को, मिठाई को, भक्त लोग न्योछावर भी कर रहे हैं ठाकुर जी की। ये देखो हमारे ठाकुर जी अब जग गए हैं, देखो ये देखो मना कर रहे हैं ठाकुर जी, जग गए अब ठाकुर जी। ये देखो ये ठाकुर जी का भोग प्रसाद है, आप भी मानसिक रूप से पा लो। प्रसाद
लो आप भी पाओ। वो ठाकुर जी को भोग लगवा ला है, अब देखो यहाँ घर में जाएंगे। हमारे ग्वाल वाल मंडी बहुत सारा जा रही है। अब कहाँ जाएंगे? अब जाएंगे मंडी सीधो, और कौन नहीं, और फिर पहले टोक जाएंगे समाज करने। तो तुम जाओगे? हैं? यहाँ देखो, यहाँ पर समाज गायन है रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ठाकुर जी की गैया बनती थी। ठाकुर जी अपनी गैयाओं को यहीं बांधते थे, तो आज भी यहाँ पर ठाकुर जी की गैयाओं के खूंटा पत्थर के बने हुए हैं। और यहाँ पर देखो दूसरी तरफ भोग भी ठाकुर जी को लगाया जा रहा है। वाकई बात समाज गायन है रहे हो, जहाँ जहाँ ठाकुर जी को गौचारण स्थान है वहाँ वहाँ पर ठाकुर जी को भोग लगाया जा रहा है। ठाकुर जी के पद गायन यानी ठाकुर जी के भजन गाए जाएंगे, समाज गायन हो गएगा। यानी आप सब लीला स्थलियों के ठाकुर जी के दर्शन करते रहें इस वीडियो में। अब ठाकुर जी देखो यह स्थान पे आए हैं, यहाँ पे भी एक पद को गायन हो गएगा। वाकई बात ठाकुर जी यशोदा कुंड पे जाएंगे। सो आप वीडियो में दर्शन सब लीला स्थलियों के करते रहें। नंद के लाला की जय। अब यहाँ तक ठाकुर जी यशोदा कुंड के लिए यहाँ चल दिए हैं, क्योंकि यशोदा कुंड पे यशोदा मैया इंतजार करती रहती। जब ठाकुर जी गौचराते, जब गौचरा कर थक जावे तो यशोदा कुंड पे आवे, तो मैया उनको छाछ पिवावे, तो वो लीला होवेगी वहाँ पे। तो आप वह लीला के दर्शन करिए। अभी देखो ठाकुर जी गौशाला पहुंचे हैं। पहले अरे हाँ ठाकुर जी के बीच में लो। ये स्थान यशोदा कुंड है, आप सभी यहाँ के दर्शन करो। यशोदा कुंड और हाऊ बिलाऊ यहाँ पे दोनों दर्शन है। तो यालिया आप पहले यशोदा कुंड के दर्शन करो, क्योंकि यशोदा मैया यहीं पे जल लेने आयो करती हैं। यालिया या को नाम यशोदा कुंड है। अब यशोदा मैया के मंदिर में चलते हैं, आप वहाँ पे दर्शन करियो। मानसिक रूप से आप प्रणाम भी करियो सभी, और कमेंट्स में यशोदा मैया की जय यह भी आप कमेंट्स करियो। नंद के लाला की जय। यह देखो यशोदा मैया के बगल में कृष्ण और बलराम विराजमान है यहाँ पर। यह देखो यही हाऊ बिलाऊ मंदिर है। ठाकुर जी जब सखान के संग खेलते तो मग्न है जाते, तो ठाकुर जी समय पे भोजन नहीं पाते थे, तो मैया डराती कि देख उनको हौआ आया हौआ। अब ठाकुर जी डर के मैया की गोद में बैठ जाते,
तब मैया उनको भोजन पवाती, यही वो हाउ बुलाऊ है। अब यहाँ पद गायन हो गएगा और ठाकुर जी को यहाँ मैया छात पिवावे की, तो आप वाली इलाके दर्शन करें। मेरे ठाकुर जी की आ रहे हैं ठाकुर जी, यहाँ पे आएंगे कदम टेर पे, यहाँ पे लीला होगी तो आपको दिखाएंगे अभी लीला। अभी सर ग्वाल बाल मंडली आ रही है, समाज गायन होगा। हम मंदिर में चल रहे हैं अंदर, जब तक ठाकुर जी आएंगे तब तक आप दर्शन करो यहाँ के मंदिर के। और आपको एक बात बताऊं, यह रूप गोस्वामी जी के भजन स्थली भी है, यहाँ पे उन्होंने बैठ के भजन किया। और यहाँ पे जितने भी वृक्ष हैं वह सब कदम के वृक्ष हैं, जो कि राधा रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय वृक्ष है। ये देखो यह वृक्ष और रज वही है जो आज से 5000 वर्ष पूर्व जो ठाकुर जी के समय पे थी। ये देखो ये कदम्ब के वृक्ष हैं सभी, ये रूप गोस्वामी जी के दर्शन हैं। अभी यहाँ पे समाज गायन हो रहा है, वो देखो सब बाल बाल मंडली जुड़ गई है। यहाँ पे सभी अभी कृष्ण बलराम के आने को इंतजार कर रहे हैं। क्या ठाकुर जी आ गए कदम टेर पे, अब यहाँ पे लीला होगी देखो। नंद के लाला की जय। ठाकुर जी को भूख लग के अब देखो प्रसाद बांटो जा रहे हो। बैठ जाओ तो बैठ के आनंद लो, सब आनंद आ लो, बैठ जाओ तो है।
ठाकुर जी के आप दर्शन भी करते रहें। और यहाँ पे आपको मैं अब यहाँ की एक दो लीलाएं भी सुनाता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण गौचारण के लिए आए तो सबसे पहले गोपाष्टमी के दिन ही आए, कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। तो जब लाला छोटे थे तो मैया थे जिद करने लगे कि मैया मैं गैया चराने जाऊँगा, मैं गैया चराने जाऊँगा। तो मैया ने कही कि लाला यहाँ के लिए तो पहले मुहूर्त निकलवाना पड़े है। तो ठाकुर जी जिद करने लगे तो मैया ने शांडिल्य ऋषि जी को बुलायो। तो शांडिल्य ऋषि जी ने आज ही के दिन को मुहूर्त निकाल के दियो गोपाष्टमी को। और फिर वाके बाद जब ठाकुर जी जिद कर रहे तो फिर मैया ने कही कि लाला तू गैयन को तो साध नहीं पावेगो, गैया बड़ी बड़ी हैं, तो यारियाँ तू बछरन को ले जा। तो मैया ने ठाकुर जी को बछरा दिए हैं। और फिर वाके बाद ठाकुर जी सर्वप्रथम बछरन को ले कर चराने के लिए आए हैं यही स्थान पर टेर कदम पे। मैं आपको एक और प्रसिद्ध लीला यहाँ की सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी को जो मोह हुआ था ठाकुर जी को देख करके, वह इसी स्थान पर हुआ था, क्योंकि जब ठाकुर जी ग्वाल वालों के साथ अपने सखाओं के साथ पे बैठ करके इसी स्थान पे भोजन करते थे, उनका झूठन पाते थे ठाकुर जी। तो ब्रह्मा जी को यह देख करके मोह गया कि यार यह कैसा ब्रह्म है, यह तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता है। यह देख करके ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ग्वाल वालों को, सखाओं को लेकर के, सबको लेकर के ब्रह्मा जी यहाँ से चोरी करके और ब्रह्मलोक में ले गए थे। और यह लीला एक साल तक चली। फिर ठाकुर जी को बड़ा दुख हुआ यह सब देख करके कि ब्रह्मा जी चोरी करके मेरे सब सखाओं को और ब्रह्मलोक में ले गए। तो उसके बाद में जब ब्रह्मा जी को भूल का एहसास हुआ कि मैंने गलती कर दी है, तब ब्रह्मा जी क्षमा मांगने के लिए जो वृंदावन के पास में छठीकरा के पास जो चौमुखा है वहाँ बैठ करके ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, क्षमा याचना करने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी को ठाकुर जी ने देखा तक नहीं। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने सोचा ठाकुर जी कैसे क्षमा करेंगे, तो फिर ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों की उपासना करी, ब्रजवासियों से प्रार्थना करी कि ब्रजवासियों आप सभी तो धन्य हैं, आप सभी को ठाकुर जी का साक्षात्कार हो रहा है, श्री कृष्ण का सानिध्य मिल रहा है, श्री कृष्ण के साथ लीला करने के लिए आप सभी सम्मिलित भी हो रहे हैं। तो ब्रजवासियों की कृपा से ब्रह्मा जी को ठाकुर जी ने क्षमा किया है। तो यह वही स्थान है सर्वप्रथम जहाँ ठाकुर जी गौचारण के लिए आए थे। और यह लीला द्वापर युग से चली आ रही है। और एक यह लीला भी है कि मैया ठाकुर जी के सखान को, गोपियों को ठाकुर जी के लिए छाक देती हैं। छाक यानी कि भोजन, जब ठाकुर जी गौचराते हुए थक जाएं, उनको भूख लगे, तो सखा उनको छाक दे दे, भोजन दे दें, ठाकुर जी भोजन पावें या स्थान पर बैठ के यालियाँ छाक के पद भी गाए जाते हैं। अब कृष्ण बलराम यहाँ थे आशीषवर महादेव पर जाएंगे शिव जी के यहाँ पे, तो अब आप वहाँ के दर्शन करियो। कदम मटेरते अब ठाकुर जी आशीषवर महादेव पे आएंगे कृष्ण बलराम दो, तो तब मैं आपको अब यहाँ की लीला को दिखाऊंगा। ठाकुर जी को यहाँ शायद भूख लगेगा, वो लीला हो जाएगी तो दिखाऊंगा आप। श्री आशीषवर महादेव की जय। आप सभी भगवान आशीषवर जी के, शिव जी के दर्शन करें। इसी स्थान पर बैठ करके शिव जी आस लगा के बैठे थे ठाकुर जी के दर्शन के लिए, इसलिए इस स्थान का नाम आशीषवर महादेव है। अब यहाँ पर ठाकुर जी के आने का इंतजार हो रहा है। वाल वाल मंडली सब आ गई है, ये देखो सब सखा रहे हैं यहाँ पे।
वार मंडली आ गई है, अभी ठाकुर जी को आगे को इंतजार है। गाय चराना आवे और कुर्ता टोपी लावे, ये हमें हमारे देखो ग्वाल वाल मंद गांव के भैया सजा सजा के ले रहा है। यहाँ के कहवे कहाँ हैं? सरकंडा। ये देखो ठाकुर जी आशीष पर महादेव पे आ गए। यहाँ पे आप ठाकुर जी के दर्शन करो क्योंकि यहाँ ठाकुर जी को रूप स्वरूप बिल्कुल बदल जाए क्योंकि ठाकुर जी यहाँ पे कारी कमरिया ओढ़ के बैठे हैं। ये देखो ठाकुर जी की न्योछावर बट रही है और ठाकुर जी को भोग लगाया जा रहा है और फिर वही प्रसाद सबन को बटेगा। देखो कैसो परम सौभाग्य, ठाकुर जी की कृपा थे हमारे कृष्ण बलराम की सेवा करने को मौको मिलो मुझे। ठाकुर जी वापस नंद महल की ओर चल दिए यहाँ से।
देखो नंदगांव वासी यहाँ ठाकुर जी के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। देखो आ गए कृष्ण बलराम, अब यहाँ पे 2 मिनट रुकेंगे, करवा के बाद नंद महल की ओर जाएंगे। ठाकुर जी अब नंद महल पे जा रहे हैं वापस, मैया वहाँ पे इंतजार कर रही होंगी। जब ठाकुर जी पहुँचेंगे तो मैया कृष्ण बलराम की आरती उतारेंगी। विश्राम जो है मंदिर पे ही होगा। अब हम गौशाला आए हैं ठाकुर जी को चारों डालने के लिए। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। राधे राधे। ठाकुर जी की लीला देखते देखते रात है गई, गौशाला बंद है गई, हम तो क्या करेंगे, इज्जत है तो खबर है गई। नंद के लाला की जय।